हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त सुनील टेक्नो हैब गुरु से मैं आपको फिर आप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो हैब गुरु सुनील में। दोस्तों, मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं। ये आप देख रहे होंगे, ये कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड में क्या है, कुछ बटने काम नहीं कर रही हैं। तो आप घर पर इन कीबोर्ड को कैसे रिपेयर करें वो मैं आज आपको एक नया तरीका बताऊँगा। तो आइए, सबसे पहले मैं इसको चेक करना बताता हूँ, आप कैसे चेक करेंगे और कौन सी बटन नहीं काम कर रही है तो आपको कैसे काम करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको चेक करने। पहले देखिए, आप इसको ना ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन भी अपन इसको ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्टिंग के नाम से डालेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और आप इसको ये देखिए, इसको ओपन करेंगे, ये देखिए ये आ गया है। आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे आ गया, तो इसको क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से सभी की को अपन चेक करेंगे और देखेंगे कौन सी की काम नहीं कर रही, उसी पे अपन को काम करना है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसमें आपको दिख जाएगा कि कौन सी की काम नहीं कर रही है। अपन को उसी सेक्शन को चेक करना है और एक 5 मिनट नहीं लगेंगे, आपका कीबोर्ड वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। ये देखिए, इसमें 4 और 5 जो है वो की नहीं काम कर रही है ना, तो उसके लिए सबसे पहले अपन कीबोर्ड को ओपन करना पड़ेगा। इसमें सभी काम कर रही हैं, सिर्फ 4 और 5 की नहीं वर्क कर रही हैं। उस कंडीशन में क्या करेंगे, आइए इसको कीबोर्ड को ओपन करते हैं। इसमें देखिए बाकी सभी की ये सभी की काम कर रही हैं, बाकी सिर्फ 4 और 5 नंबर का की नहीं काम कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले उनको इसको बैक साइड से ओपन करना पड़ेगा। तो इसको ओपन कर लेते हैं। आप आराम से घर पे भी इसको रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो भाइयों ओरिजिनल कीबोर्ड होता है तो वो मार्केट में उसकी प्राइस ही कीबोर्ड माउस की 1000 के लगभग होती है। तो आप उसको घर पे भी आसानी से रिपेयर करके और उसको वर्किंग कंडीशन में ला सकते हैं। इसको बैक साइड इसी स्क्रू होते हैं तो उनको अपन ओपन करेंगे इसको ड्राइवर की सहायता से। उसके बाद फिर इसको मैं आपको ट्रैक बनाना बताऊंगा, मल्टीमीटर की सहायता से अपन चेक करके इसको इसके ट्रैक बनाएंगे। देखिए, यहाँ से उसको ओपन करेंगे, बैक स्क्रू ओपन करने के बाद इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ये घरेलू चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, बेसिक चीज़ें हैं। जो भाई कंप्यूटर यूज करते हैं, मैक्सिमम उनकी प्रॉब्लम आती है कि वर्क नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में आप क्यों नया खरीदें कीबोर्ड, आप भी घर पे ही इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। तो किसी के ओरिजिनल कीबोर्ड होता है तो उनके लिए मैक्सिमम रहता है कि 1000 रुपीज़ क्यों खर्च करें और आसानी से अपने पास ही इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसको मैंने ओपन कर लिया है और अब मैं आपको बताऊँगा एक चीज़ कि इसमें 4 और 5 की नहीं काम कर रही, तो अपन को उसी सेक्शन को चेक करना है। इसको देखिए, मैं कीबोर्ड को इसको रख लेंगे और इसका तरीका यही है कि अपन इसको आसानी से ये देख सकते हैं। ये देखिए, इस ये 2 की जो हैं, ये पॉइंट जो हैं, उनको उसी के आसपास अपन को चेक करना है। उसको मार्क कर लें, मार्कर से आसानी से आप मार्क कर लेंगे। ये देखिए देखिए, इसको मैं निकाल लूँगा क्योंकि इससे मुझे आसानी हो जाएगी कि उसी पॉइंट को वहाँ पर चेक करना है। ये देखिए, इसको मैं मार्क कर लूँगा मार्कर से। ये देखिए, यहाँ पे चले जा रहे, इसको मार्कर से मार्क कर लेंगे और ये देखिए, ये 2 पॉइंटों पे मार्क कर लेंगे, ये काम नहीं कर रहे हैं। तो आसपास इसी सेक्शन को अपन को चेक करना है। ये होती मेम्ब्रेन, ये इसमें कीबोर्ड के अंदर से जो निकलती है, इसमें जो ट्रैक होते हैं, इनकी वजह से वो की नॉट वर्किंग कंडीशन में हो जाती हैं। तो एक तो होता है इसका फ्रंट होता है, ये आप देख रहे होंगे, एक होता है इसका मीडियम, है ना। जो मीडियम का काम ये होता है कि दोनों ट्रैकों को आपस में ना जोड़ने का काम करती है ये। तो ये होता है इसका थर्ड सेकंड जो होता है, मतलब ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई, बीच का होता है। इसको इंसुलेटर भी यूज मान सकते हैं कि दोनों कनेक्टिविटी को होने नहीं देती है, शॉर्ट नहीं होते उससे। तो सबसे पहले अपन को जो इसके जो मेम्ब्रेन अपन ओपन करेंगे उसके नीचे सेक्शन को अब चेक करना है।
ये देखिए, इसको मैं इसको दबा लीजिए किसी सी चीज़ से रख के। ये देखिए मैं इससे दबा दूंगा इसको ड्राइवर से, और या कोई थोड़ा सा बजनी चीज़ लेके जो चेक करना है उस सेक्शन को मैं आपको बताऊंगा। अब मुझे जो सेक्शन चेक करना है ये देखिए, हाँ, तो मुझे ये सेक्शन को चेक करना है। उसी के आसपास कनेक्टिविटी देखनी है। ये देखिए कंटिन्यू आ रही है, मतलब ठीक है। ऐसे ही चेक करना है इसको। बिल्कुल ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कंटिन्यू नहीं आ रही है। और मल्टीमीटर को मैंने 20 साउंड पे रखा है, आप देख रहे हैं मल्टीमीटर को मैंने 20 साउंड पे रखा है। तो और इसको चेक करेंगे, ये देखिए यहाँ तक आ रही है इसके ऊपर। ये देखिए यहाँ से कंटिन्यूटी जो है नहीं बन रही है, इसकी वजह से जो काम जो कीबोर्ड में 4 और 5 की नहीं कर रही है। तो इसके जो बीच में जो आप देख रहे हैं वो उसको ट्रैक को बनाना है। और ट्रैक को बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं, या तो आप वायर ले सकते हैं, या मेरे पास ये देखिए इस कंपनी का एक लिक्विड आता है, इससे भी ट्रैक बन जाता आसानी से। तो देखिए मैं ट्रैक आपको बनाना बताता हूँ, या तो एक वायर लेके और टेप से भी चिपका सकते हैं, उससे भी इसको बन जाता है। और ये सिल्वर लिक्विड है, तो इसको मैं आसानी से इसको, ये देखिए मैं इसको, ये देखिए मैंने इसको आराम से लिया और कर दिया, तो ये ट्रैक बन गया है। और थोड़ा सा मुश्किल से 2 मिनट देंगे इसको सूखने के लिए, और सूखने जाएगा तो उसको अपन पैक करेंगे। और अब देखिए सूखने के बाद मैं आपको इसी कंटिन्यू चेक कराता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो सिल्वर का जो पेस्ट लगाया था वो सूख गया है, और सूखने के बाद अब इसकी मल्टीमीटर की ये देखिए कंटिन्यू बन जाएगी। ये देखिए कंटिन्यू आ गई है, यानी ट्रैक बन गया है। अब इसको अपन पैक करके और चेक करेंगे। अब आइए इसको पैक करते हैं। ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को पहले रख लेंगे, रखने के बाद इसका जो पीसीबी होती है उसको रखेंगे। आपने जैसा खोला हो उसको वैसे ही इसको पैक करना है। ये देखिए इसकी बबल शीट होती है, इसको भी रखना है। उसके बाद फ्रंट कवर लगाएंगे, उसके बाद इसके लॉक होते हैं तो आराम से ये बैठ जाता है। देखिए मैंने इसको इसका कस दिया है बेस, फ्रंट भी कस दिया। अब इसको चेक करेंगे, ऑनलाइन ही मैं चेक करके बता रहा हूँ। ये देखिए की जो है इसकी सभी की, अब ये देखिए आप देख रहे होंगे, ये देखिए 4 और 5 की नंबर भी इसका वर्किंग कंडीशन में आ गया है। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा आज, इसके साथ मैंने कीबोर्ड आपको अपने देख लिया होगा। अब करते हैं माउस को रिपेयर। आप देख रहे हैं ये माउस है, ओरिजिनल माउस जो लोगों को रहते हैं वो इसकी कीमत ही मार्केट में 300 या 400 के बीच होती है। तो जैसे लोगों की काम नहीं कर रही है तो उस वजह से लोग उसको फेंक देते हैं या नया लिखाई लेते हैं, तो उसको आपको फेंकना नहीं है। आपको उसको सिर्फ 5 रुपीज़ से उसको आप रिपेयर कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा माउस है, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो की प्रॉब्लम है। ये देखिए इसमें, ये देखिए ये की जो है बिल्कुल काम नहीं कर रही है, उसकी वजह से कैसे इसको रिपेयर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये की नहीं काम कर रही है। तो आइए सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको इसको रिप्लेस, बैक साइड है इसका, बैक साइड होता है, बैक साइड से इसके इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसको फ्रंट का इसका कवर हटाएंगे। हटाने के बाद आप देख रहे होंगे इसकी एक पीसीबी अंदर होती है, और दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट यानी दो स्विच होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो इसकी जो प्रॉब्लम जो आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है राइट में आ रही है, और इसका राइट में प्रॉब्लम आ रही है और लेफ्ट इसका चल रहा है। तो सबसे पहले इसको अपन की, ये की मार्केट में आपको आराम से 10 रुपये की 5 आपको मार्केट से मिल जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने की मार्केट से मैंने ले ली है इसकी,
ये देखिए, ये मार्केट से मैं परचेज नहीं की माउस के परचेज किए हैं, तो मैं इसको चेंज करूँगा। ये भी आप आराम से 5 मिनट में आप इसको रिपेयर कर सकते हैं माउस को। सिर्फ आपको एक सोल्डिंग आयरन चाहिए बस, उससे आप सहायता से अपना कीबोर्ड भी रिपेयर कर सकते हैं और माउस भी इसका रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, मैं न्यू इसकी स्विच लिया है, न्यू स्विच चेंज करेंगे और ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। क्योंकि कई लोग हैं जो परमानेंट यूज करते हैं सिस्टम को, उनके ओरिजिनली अच्छी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों को यूज करते हैं वो कीबोर्ड माउस, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। अगर मार्केट में आप जाएंगे नया लेने तो 1000-1200 रुपये तक का आता है, तो उस कंडीशन में आप उसको क्यों फेंकें और अपने घर पर ही इसको रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने स्विच चेंज कर दिया है, स्विच करने में इसको पैक करना है, जैसे आप खोलें वैसे ही इसको पैक कर लेंगे, इसके फ्रंट कवर लगा लेंगे जो ऊपर का कवर होता है। देखिए, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें राइट और लेफ्ट दोनों काम करने लगे हैं। ये देखिए, दोनों इसमें वर्किंग हो गए। दोस्तों, आपको घर पे ही ये आसानी से आप कीबोर्ड माउस इसको रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।